और शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। देश में नागरिकता पर कितने कानून, पहले से ही देश में एनआरसी और सीएए को लेकर हंगामा है, लेकिन अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक है और आसार ये हैं कि उसमें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर पर कोई बात शुरू हो सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर वो प्रक्रिया होगी जिसके तहत देश के सभी नागरिकों का लेखा जोखा वैज्ञानिक तरीके से रखा जा सकता है। हालांकि जनसंख्या रजिस्टर अभी दूर की बात है, लेकिन नागरिकता पर कानून का खेल तो शुरू हो ही चुका है और ऐसे में जब देश में पहले ही एनआरसी को लेकर हंगामा है, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध की सूरत है, तो ऐसे में अब जनसंख्या रजिस्टर को लेकर किस तरह का माहौल होगा वो देखना होगा। लेकिन कैबिनेट की बैठक में जनसंख्या रजिस्टर को लेकर बातचीत के आसार हैं, इस पर अपने संवाददाताओं से भी हम डिटेल लेंगे। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, 10:30 बजे का ये समय था। लेकिन एनपीआर को लेकर क्या सूरत होगी ये अभी देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से सीएए और एनआरसी इन्हें लेकर देश में विरोध प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से हुए हैं, हिंसा की घटनाएं हुई हैं और एक आक्रोश लोगों के अंदर देखा गया है, उसके मद्देनजर इस फैसले को क्या कुछ समय के लिए टाला जा सकता है या कुछ देरी के बाद लिया जा सकता है या इस पर आगे क्या बातचीत होती हो सकती है ये देखना होगा। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। हिमांशु, 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक का समय था और एनपीआर जनसंख्या रजिस्टर, क्या ये माहौल जो अभी इस समय देश में है उस माहौल के मद्देनजर इस पर कोई बातचीत, कोई पुख्ता तस्वीर आगे हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मीनाक्षी, 10:30 बजे जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि 2021 के लिए जो सेंसेक्स है उस पर जो है विचार संभव हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सीए और एनसीआर को लेकर देश के अंदर माहौल बना है उसके बाद सेंसेक्स 2021 के लिए जो है वो यहाँ पर विचार किया जाएगा, उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। एक बड़ी चीज़ अगर देखा जाए तो कैबिनेट में आ जा सकती है, कैबिनेट से उसको मंजूरी मिल सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर सरकार क्या क्या बदलाव करती है इसके अंदर और किन प्रावधानों को जो है कैबिनेट से मंजूरी मिलती है। इसमें बड़ी चीज़ यही है कि जिस तरीके से सीएए और एनआरसी को लेकर देश का माहौल है उसके बाद सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन ये एक रूटीन प्रोसेस के तौर पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि हर 10 साल बाद जो है वो जनसंख्या जनगणना होती है और उसी के प्रोसेस में इसको देखना चाहिए। बहुत सरकार की तरफ से क्या बदलाव किए जाएंगे ये देखने वाली बात है और अब से कुछ देर बाद जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी उसके अंदर क्या क्या विचार आते हैं और किन किन प्रावधानों को जो है उन मंजूरी मिलती है, अब से कुछ देर बाद जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि सरकार जो है सेंसेक्स यानी कि जनसंख्या जनगणना 2021 को लेकर आगे बढ़ने के मूड में है और उसी के एक प्रोसेस को लेकर आज कैबिनेट की बैठक के अंदर चर्चा भी होगी। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीति आयोग ने अभी पिछले हफ्ते ही एक बैठक बुलाई थी और जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर भी वो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार कर रही है। अब देखना ये है कि सेंसेक्स 2021 यानी कि जनसंख्या जनगणना को उस ड्राफ्ट रिपोर्ट के साथ जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता, एक बड़ी चीज़ जो है ये कह सकते हैं कि आज कैबिनेट के अंदर चर्चा होगी। आपके पास लौटते हैं हिमांशु, इस वक्त एक अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर एनपीआर क्या है और इसमें क्या क्या होगा। ये आपको हम एनआरसी पहले दिखा रहे हैं, एनआरसी जिसे लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार तस्वीर विरोध की दिखाई दी है, लेकिन जनसंख्या रजिस्टर जिसमें बायोमेट्रिक जानकारी भी होंगी, इसके अलावा 6 महीने से कौन कहाँ रह रहा है, नागरिकों के नाम, उनका पता, ये तमाम डिटेल्स इसमें होंगी। हालांकि सेंसस जनसंख्या गणना की ये प्रक्रिया हर 10 साल में होती है, लेकिन अभी जिस तरह की तस्वीर है एनआरसी और खासतौर पर सीएए को लेकर उसके मद्देनजर एक बार फिर आप ये देख लीजिए कि इस रजिस्टर में क्या क्या होगा। इसमें नाम होगा, घर के स्वामी से रिश्ता आपका क्या है, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, वर्तमान पता, स्थायी पता, नौकरी पेशा क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है। सभी निवासियों का लेखा जोखा 1 अप्रैल 2020 से ये डेटाबेस बनेगा, बायोमेट्रिक जानकारी भी इसमें होगी और घर घर जाकर ये जनगणना यहाँ पर
की जाएगी। हिमांशु मिश्रा लगातार हमें इस पर अपडेट कर रहे हैं। हिमांशु, जिस तरह से किसी भी प्रावधान को लेकर या किसी भी नई जानकारी जब कैबिनेट के सामने रखी जाती है, उससे पहले एक होमवर्क उसका जरूर होता है, एक ब्लूप्रिंट उसका तैयार किया जाता है। किस तरह की तैयारियां एनपीआर को लेकर थी? हालांकि हर 10 साल में जनसंख्या गणना की प्रक्रिया तो होती ही है, लेकिन इस बार क्या कुछ इसमें अलग हो सकता है, क्या डिफरेंट हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से एक कोशिश होगी। जो लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और उनके वोटर आईडी बन जाते हैं, फिर वो दूसरे शहर जाके वोटर आईडी बनाते हैं या गांव छोड़कर शहर में आ जाते हैं और उनका अगर देखें तो जो वोटिंग मतगणना पहचान पत्र है वो शहर में भी होता है और गाँव में भी, तो ये जो दोहरी नागरिकता वाला रहता है उसमें उनको संशोधन करा जाएगा और उनसे कहा जाएगा एक ही जगह जो है वो अपनी पहचान पत्र को बनाए, अगर गांव में है तो गांव में ही रखें, शहर का नया बनवाते हैं तो गांव के अंदर उनको जो है वहां से उसको हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके के नई नई चीज़ें इस बार देखने को मिलेंगी कि एक्चुअल जनसंख्या क्या है देश की, वो फिगर्स निकल कर आए और कहीं भी किसी भी व्यक्ति की जो है दो जगह जो है पहचान पत्र ना हो, इसको भी ध्यान रखा जाएगा और इसको लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है। बायोमेट्रिक भी प्रोसेस में लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत सरकार की तरफ से इस बार रहेगी कि जनसंख्या 2021 जनसंख्या जनगणना जो है उसको काफ़ी सुधार के साथ लाया जाए और एक्चुअल जनसंख्या को लेकर जिस तरीके से सरकार काम करना चाहती है वो एक अच्छी प्रोसेस है, क्योंकि एक्चुअल सरकार को जनसंख्या का पूरा पता चलेगा और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, हर 10 साल के अंदर ये होता ही है। इसको किसी CA या NRC से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि इसमें कई नए चीजों को लाया जाएगा जिससे सही जनसंख्या। आपके पास 10:30 बजे जैसे ही कैबिनेट की बैठक शुरू होगी उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, आपके पास और डिटेल्स के लिए हम आएंगे। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार जारी है। सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार ने लोगों की आवाज नहीं सुनी, तो मोदी ने कहा है कि ये कानून भारत के किसी भी नागरिक के लिए नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी People have a right to raise their voice against wrong decisions and policies of the government and register their concerns. Equally, it is the duty of the government to listen to the citizens and address their concerns. The BJP government has shown utter disregard for people's voices and chosen to use brute force to suppress dissent. This is unacceptable in a democracy. Citizenship Amendment कानून, ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है। ये कानून इस देश के अंदर जो 130 करोड़ लोग रह रहे हैं उन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।